ये लेना, इन इसका रिस्पांस लेना आपको, बेटे लेना है फायदा। तो क्या नाम है आपका? स्काउट कैंप के क्या फायदे हैं? स्काउट कैंप करने से आपको अच्छा लग रहा है ना? आप और लोगों से कहेंगे स्काउट कैंप करने के लिए? एक अच्छा, ये देखिए यहाँ पे भी कुछ हमको अलग व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, क्या है जी? ये किस प्रकार से आपने बनाया है? किसी पात्र का प्रयोग किया था आपने इसमें? किसी बर्तन कैसे बनाया? और वो चोखा भी दिख रहा है बगल में, कैसे बनाया चोखा आपने? इतने मटेरियल कहाँ से आए? मम्मी में से मांग रहे? ये चोखा बन के मम्मी बना के दी थी क्या? नहीं, हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। कैंप में आपने सीखा है? यस सर। अच्छा, आइए डाइट ले चलते हैं, हम यहाँ के सर से बात करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ के ट्रेनर से डाइट बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कैंपस आपको दिखाई दिए, यहाँ पे रोवर गाइड दिखाई दिए, एज की भी चाहिए थी, सारे छात्र छात्राओं ने अपनी बात को शेयर भी किया है, किस उद्देश्य उनका क्या है, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, भविष्य में उनको सकारात्मक रूप लेने का कहाँ पर मिलना चाहिए। तमाम हमारे पास कम उम्र के बच्चे इस स्काउट कैंप में है जिनके अंदर साहस है, एक विवेक, सकारात्मक पॉजिटिव इनका मेथड है कि हमको सीखना है आगे बढ़ना। यहाँ के ट्रेनर के पास आइए, हम ले चलते हैं सीधे बलराम जी के पास। देखिए पीछे जो हमारे ट्रेनर बीच में देखेंगे आपको, तमाम महिलाएं भी हैं यहाँ, पुरुष में भी हैं, काफ़ी सीनियर ट्रेनर हमारे बीच में हैं, आदरणीय बलराम जी, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ये तमाम तरीके कैंपस आपने किया है, छोटे छोटे बच्चे पहली बार प्रतिभाग किए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो द्वितीय तृतीय सोपान इनका रहा है, तो किस प्रकार से इनको आप गाइडलाइन करते हैं? हम इनको टीम वर्क बना देते हैं, टोली बांट करके पेट्रोल वाइज में काम करना होता है, या आपको टेंट बनाना है, गेट बनाना है, इन गाठों का प्रयोग करना है, एडवेंचर बनाने हैं, सबका कहाँ उपयोग करना होता है। तो अब जो बच्चे पहली बार आके सीखते हैं, तो आपको कभी कभी नहीं लगता होगा कि ये बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, या हमको बोर कर रहे हैं, बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन बच्चों को कैसे मोटिवेट, गाइडलाइन कैसे करते हैं आप? जो बच्चे शरारत करते हैं उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, प्रखर बुद्धि के होते हैं। हमें बच्चों को अंतर्मुखी से बामुखी करना है कि मंच पे खुल के आएँ और अपने हैंडीक्राफ्ट कला को दिखाएं और कुछ कर सकें। देखा जाए आज के आधुनिक युग में हम जैसे कोई व्यक्ति बात करता है आपस में और अपनी बात को भी सहमत करके किसी को सहमत, अपने जैसा जो बात हमारी भावनाएं होती हैं हम उनको भावनात्मक रूप से नहीं समझा पाते हैं, तो फिर आप सीटी के माध्यम से संकेत कैसे कर ले जाते हैं? जैसे इसमें संकेत का माध्यम पाया जाता है, हाथ के संकेत हैं, झंडी के संकेत हैं, सीटी के संकेत हैं, उनका कोर्स करते हैं, फिर बच्चों को याद कराते हैं, बजाते हैं, बच्चे दौड़ के वर्क करते हैं, काम करते हैं। आपके कैंप में कैंप फायर होते हैं यहाँ पे? जी जी। तो कैंप फायर में रात में भी तमाम चीज़ें बताई जाती हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें कैंप फायर में क्या बताया जाता है? कैंप फायर के माध्यम से बच्चों को क्या नाम, जागरूकता के अनुसार मतदाता रैली है, और कुष्ठ रोग है, और क्या कहते हैं इस समय डेंगू के संबंधित है, फिर गीत है, लोकगीत है, नाटक है, गाँव की झांकियाँ हैं, तमाम लोग गीते हैं, सबका प्रदर्शन करते हैं बच्चे, वो अंतर्मुखी से बामुखी होते हैं, मंच पे मंचन करते हैं, खुल के बोलना सीख जाते हैं। सर कितने वर्षों से आप सिखा रहे हैं बच्चों को, और अब तक आपकी ये जो शैक्षिक योग्यताएँ लगभग लगभग कहाँ तक आपकी होंगी? कक्षा छः से मैंने स्काउटिंग ज्वाइनिंग किया था खुद 1999 से, लगभग 30 साल हो गए, और ये टीचिंग करते हुए हमको 18 साल हो गए, और 4 सालों से मैं DOC पद पर हूँ, जो पूरे ज़िले के स्काउटिंग गाइडिंग को मैं डील कर रहा हूँ, हमारे साइंस सर्टिफिकेट जारी होता है। तो अपने ही ज़िले में आप सिखाते हैं या अदर राज्यों में भी जाते रहते हैं? अदर राज्यों में भी गए थे हम, अंतर्राष्ट्रीय कैंप में गए थे, असिस्टेंट लीडर ट्रेनिंग करके मैं अभी आया हूँ 7 तारीख को, जिसका मेरा गला बैठा हुआ है, इस समय नेशनल ट्रेनर हो गया, पूरे राष्ट्रीय ट्रेनिंग करवा सकते हैं। चलिए बहुत बधाई आपको कि आपने जो है इतने ऊँचे वहदे पर आप गए। क्या सर, लेकिन जैसे जो कोई बच्चा पढ़ता है तो उसका एक एम होता है कि मैं ये डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता पुलिस, कोई IAS कुछ बनेंगे, तो क्या अभी पढ़ाई पीरियड में आपने कभी सीख जाना था कि हमको ये बनना था कि हम या उस वहाँ से हम भटक करके अलग लाइन में आ गए? कुछ कभी मैं कक्षा 6 पढ़ रहा था, हमें स्काउट ट्रेनिंग जो देने आए उनकी वर्दी बड़ा स्मार्ट लग रही थी, और ही देखने के बाद वो DOC थे, हमने अपना एम बनाया कि मैं भी स्काउटिंग में सर्वोत्तम पद प्राप्त करूंगा और सर्वोत्तम पदक प्राप्त करूंगा। मैंने 2004 में राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त कर लिया और 2020 में मेरा क्या नाम DOC बन गया, मेरा ये। आइए सर, क्या नाम है सर?
गौतम जैसा सर, अभी आपकी उम्र भी बहुत कम दिख रही है हमको। जी सर, तो स्काउट आउट ट्रेनिंग सिखाते हैं लोगों को जी, किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं सर? जैसे पहली बार बच्चे होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो इस कैंप के माध्यम से बच्चों में नैतिकता, संवर्ग या बच्चों में अनुशासन, ये सबसे अहम चीज़ होती है। क्योंकि बच्चे जब समाज से बाहर आते हैं तो फिर समाज में ही उनको घुल मिल करके अपना जीवन यापन करना रहता है, तो बच्चों को किस प्रकार अपने उस माहौल को ढालना है ये पहला उनका कर्तव्य होता है। तो इस कैंप के माध्यम से बच्चों में उन्हीं जागरूकताओं को पहला प्रोसेस होता है कि बच्चों के अंदर वही जज्बा कायम किया जाए। कब तक अनुभव रहा सर, कितने वर्षों का अनुभव? सर हम इस समय तहसील आलापुर के ट्रेनिंग काउंसलर हैं, तो 4 साल हो गए हैं। इसके पहले हम स्काउट मास्टर थे राजेंद्र काल मल्लूपुर राज सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर में। हाँ, कब से सीख रहे हैं सारी सबको? 5 साल हो गया। तो आप भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग? अच्छा, तो भविष्य में क्या बनना है आपको? भविष्य में सर बनना है, देश की सेवा करना है और सबको सिखाना है। देश के कर्णधार होकर के ये ट्रेनिंग में किस प्रकार से आप मोटिवेट करती हैं? कुछ ऐसे भी लोग ट्रेनिंग में करते होंगे जो आपसे एज में ज़्यादा होंगे, एज उम्र उनकी अधिक होगी, आपके बीच में लोग होंगे, हाई क्वालिफिकेशन वाले भी कैंप करते हैं, तो उन लोगों को कैसे सिखाते हैं जो आपसे बड़े बड़े लोग आते होंगे, कैसे मोटिवेट करती हैं आप? हमारी शिक्षा सर जी अलग है, उनकी अलग होती है, उनको बड़े लोग सिखाते हैं। जैसे हमारे सर हैं बलराम सर हैं, DOC हैं, वो लोग सिखाते हैं, LT वाले। अच्छा, आप क्या हैं? ट्रेन काउंसलर हैं सर आलापुर। तो कैसे सिखाती हैं आप सबको? सर कैसे सिखाते हैं, मतलब बच्चे हैं, इन लोगों को सिखाने के लिए कुछ अलग थोड़ा होना चाहिए। स्काउटिंग में आने के बाद प्रार्थना झंडा की प्रतिज्ञा सब बताते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि बच्चे समझा रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये करें लेकिन बच्चे अपनी वाली करते हों? नहीं सर। कभी आपके अंदर बोरियत या कभी चिड़पन नहीं आता कि इनको छोड़ दें या डांटें समझाएं, कैसे मोटिवेट करते हैं? स्काउटिंग में यही तो है हमारा, मतलब हम आए हैं, बच्चे शरारती होते हैं तो उनको तो हमें समझाना है ना कैसे करेंगे। बाल प्राप्त कर लिया और 2020 से मेरा क्या नाम DOC बन गया मेरा। ये आइए सर, क्या नाम है सर? गौतम जैसा। सर अभी आपकी उम्र भी बहुत कम दिख रही है हमको। जी सर, तो स्काउट आउट ट्रेनिंग सिखाते हैं लोगों को जी, किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं? सर जैसे पहली बार बच्चे होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो इस कैंप के माध्यम से बच्चों में नैतिकता, संवर्ग या बच्चों में अनुशासन, ये सबसे अहम चीज़ होती है। क्योंकि बच्चे जब समाज से बाहर आते हैं तो फिर समाज में ही उनको घुल मिल करके अपना जीवन यापन करना रहता है, तो बच्चों को किस प्रकार अपने उस माहौल को ढालना है ये पहला उनका कर्तव्य होता है। तो इस कैंप के माध्यम से बच्चों में उन्हीं जागरूकताओं को पहला प्रोसेस होता है कि बच्चों के अंदर वही जज्बा कायम किया जाए। कब तक अनुभव रहा सर, कितने वर्षों का अनुभव? सर हम इस समय तहसील आलापुर के ट्रेनिंग काउंसलर हैं, तो 4 साल हो गए हैं। इसके पहले हम स्काउट मास्टर थे राजेंद्र काल मल्लूपुर राज सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर में। हाँ, कब से सीख रहे हैं सारी सबको? 5 साल हो गया। तो आप भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग? अच्छा, तो भविष्य में क्या बनना है आपको? भविष्य में सर बनना है, देश की सेवा करना है और सबको सिखाना है। देश के कर्णधार होकर के ये ट्रेनिंग में किस प्रकार से आप मोटिवेट करती हैं? कुछ ऐसे भी लोग ट्रेनिंग में करते होंगे जो आपसे एज में ज़्यादा होंगे, एज उम्र उनकी अधिक होगी, आपके बीच में लोग होंगे, हाई क्वालिफिकेशन वाले भी कैंप करते हैं, तो उन लोगों को कैसे सिखाते हैं जो आपसे बड़े बड़े लोग आते होंगे, कैसे मोटिवेट करती हैं आप? हमारी शिक्षा सर जी अलग है, उनकी अलग होती है, उनको बड़े लोग सिखाते हैं। जैसे हमारे सर हैं बलराम सर हैं, DOC हैं, वो लोग सिखाते हैं, LT वाले। आप क्या हैं? ट्रेन काउंसलर हैं सर आलापुर। तो कैसे सिखाती हैं आप सबको? सर कैसे सिखाते हैं, मतलब बच्चे हैं, इन लोगों को सिखाने के लिए कुछ अलग थोड़ा होना चाहिए। स्काउटिंग में आने के बाद प्रार्थना झंडा की प्रतिज्ञा सब बताते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि बच्चे समझा रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये करें लेकिन बच्चे अपनी वाली करते हों? नहीं सर। कभी आपके अंदर बोरियत या कभी चिड़पन नहीं आता कि इनको छोड़ दें या डांटें समझाएं, कैसे मोटिवेट करते हैं? स्काउटिंग में यही तो है हमारा, मतलब हम आए हैं, बच्चे शरारती होते हैं तो उनको तो हमें समझाना है ना कैसे करेंगे। वो हमारे कैंप में जब हम क्लास करवाते हैं तो बच्चे बोर नहीं हो पाते, उसके बीच में मनोरंजन के हिसाब से क्लास हो चलता है। हम यहाँ देख रहे हैं संख्याएं कुछ ज़्यादा है, 10-20-50 होता ठीक है, बच्चे लगभग सैकड़ों करीब जा रहे हैं, तो सबको कैसे आप लोग कंट्रोल कर लेती हैं? कभी ऐसे नहीं तो कि मन उबरा है या बच्चे सीख नहीं पा रहे या हम सिखाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, कुछ लगता है? स्काउटिंग में ऐसा नहीं होता, जैसे काउंसलर सिस्टम है, जब 4-5 काउंसलर हैं सब, वो कुछ 2 टोली वो ले लें, 3 टोली वो ले लें, 4 टोली वो ले लें, ये सब काउंसलर सिस्टम द्वारा हो जाता है अपना।
क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकिता सिंह है। कैसे आप बच्चों को मोटिवेट करती हैं? सर जैसे कि यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए अलग अलग ट्रेनर मतलब नियुक्त किए रहते हैं, जैसे टोली बांट दी जाती है। एक टोली में मतलब वो कि अधिकतम से 8 लोग रहते हैं और कम से कम 6 लोग, ठीक है। उसके बाद जैसे कि तो अलग अलग टोली जब बांट दी जाती है तो उनके मतलब देखभाल के लिए अलग अलग ट्रेनर को नियुक्त कर दिया जाता है कि आप लोग इनको अलग अलग तरीके से देखना है, मोटिवेशन। कुछ उम्र भी निर्धारित होती है क्या ट्रेनिंग करने के लिए बच्चों? हाँ, को कैंप में कुछ उम्र होती है क्या, कुछ फाउंडेशन है? हाँ, क्या है? जैसे जब स्काउट गाइड के लिए अलग होता है, और जैसे कब बुलबुल होते हैं उन लोग का अलग होता है, रोवर रेंजर जो होते हैं उनका भी अलग होता है समय। रोवर की उम्र कितनी होनी चाहिए स्काउट के लिए? 18 से 25 वर्ष। क्या नाम है भैया आपका? शिवम राजभर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आपको नहीं लगा कि हम किसी से किसी का परिचय नहीं पूछा, आपसे पूछा आप कहाँ का हैं? पता है क्यों? फिटनेस आपकी बहुत सही लग रही है। थैंक यू सर। तो किस प्रकार से आप फिटनेस का ध्यान कैसे देते हैं, स्काउट कैंप के माध्यम से या कुछ अलग से? नहीं, ऐसे ही देते हैं। कभी कभी ये नहीं लगता कि आपके समकक्ष लोग खड़े हों सामने, जैसे कुछ कोई चीज़ आप बताने जा रहे हों, ऐसा नहीं होता कि रहने से किसी अपनी आत्मऊर्जा कम हो जाए या हम बच्चों को समझाने में असमर्थ दिख रहे हों? सर ऐसे तो नहीं लगता है सर, जाते हैं तो लोग समझ जाते हैं। समझ जाते हैं क्या? भविष्यवाणी करते हैं क्या कुछ? नहीं, भविष्यवाणी नहीं। यस हेलो। तो कैसे समझाते हैं सर? जैसे कि गए हम बोले आप ऐसे करिए तो लोग करते हैं। स्टार्टिंग में छोटे बच्चों को मोटिवेट कैसे करते हैं? मोबाइल जैसे सर कि वो लोग तो हम वहाँ पे गए उनसे बोले आप लोग शांति से खड़े हो जाइए, वो लोग होते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया करते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमारे बीच में जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खंड जहांगीरगंज के अंदर श्री चितवाहल आदर्श बालिका इंटर कॉलेज में यहां पे ट्रेनर जो काउंसलर थे, रोवर रेंजर थे, यहां छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। इन्होंने अपनी बातों को तरह तरीके से रखा है, इन्होंने अपनी भावनाओं को, अपनी भाषाओं को, अपने अनुभवों को भी साझा किया हमारे आपके बीच में। कैसे सीखा जाता है, ये सीख करके कैसे अग्रसर होकर के भविष्य में आगे बढ़ रहे हैं, इन लोगों का काफ़ी अनुभव रहा है। इन लोगों का हर तरीके से उद्देश्य है सेल्फ डिपेंड होकर के आपातकालीन स्थिति में, जैसे कोविड का समय हो या किसी भी परिस्थिति में, हम दूसरों की मदद सकारात्मक रूप से कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। इस कैंपस का मुख्य विशेष उद्देश्य है, जो हमने अनुभव साझा किया है, हमें ये लगा है कि इनका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने माध्यम से कहीं ना कहीं से सेल्फ डिपेंड होकर के, किसी के ऊपर आश्रित ना होकर के, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कैंप का सहारा, एक कैंप में एक टोली बना सकते हैं, एक दूसरे जुड़ सकते हैं, किसी वृद्ध व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। आंधी या बाढ़ आ जाने पे मकान को क्षतिग्रस्त ना होने पाए, उस स्थिति में उसको हम वहाँ से लेके चले जाएं। अपनी एक विशेष एक रूटीन है, झंडा गीत उन्होंने बना रखा है कि एक अपना आत्मऊर्जा बनाने के लिए, मजबूती के लिए एक यूनियन इनका बनता है, इसे सब एक इनकी एक यूनिफॉर्म है जो आप देखिएगा क्रमबद्ध होकर के छात्र छात्राएं देखिए किस प्रकार से सीरियल वाइज यहाँ बैठी हुई हैं। इन लोगों की एक टोलियाँ हैं कि एक दूसरे से सहयोग से, थोड़ी बहुत टूटियाँ अगर होती हैं तो एक दूसरे समूह में आकर के हम उस चीज़ को सीख करके पॉजिटिव रिस्पांस दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए चैनल साहब जयपुर अम्बेडकर नगर से। अनवेश श्रीवास्तव पीयूष। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।